मैं बिस्मा नौरीन और मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ जामा क्लाथ पे। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे मेरे बच्चे की बाइक उठाई थी, ये प्राइवेट लोग हैं जी, आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है ड्राइवर यहाँ पे, और दे दमादम ईदी लगाने के लिए ये यहाँ से जो है ना बाइकों पे बाइकें गाड़ियों पे गाड़ियाँ भर भर के लेके जा रहे हैं। और मैं अभी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस चौकी से अपने बच्चे की गाड़ी निकलवा के लाई हूँ, और ये प्राइवेट लोग हैं जी, देख लीजिए ना, ये ट्रैफिक वाले हैं, ठेके पे दिया हुआ है, ये ठेकेदार है, अड़ो अड़ो अड़ो, ये ठेकेदार है। और अभी इसने जो है ना चौकी पे आके इसने मुझ पर गाड़ी चलाने की कोशिश की, मुझ पर हिट करने की, अगर मैं सामने से नहीं हटती तो ये मुझे उस वक्त गाड़ी मार देता। और ये खड़े हैं यहाँ पे इनके एसओ शेसो जो भी हैं ट्रैफिक वाले, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है गाड़ियाँ उठा के लेके जाएँ, इन्होंने प्राइवेट लोगों को ठेका दिया हुआ है, प्राइवेट लोग यहाँ से गाड़ियाँ उठाते हैं, पब्लिक की जो यहाँ पे बेचारे गरीब भूखे जो मर रहे हैं ना, जो भूखे मर रहे हैं, थोड़ा सा छोटे छोटे बच्चों की खुशियों के लिए थोड़ी बहुत ईद की शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, उनको ये इस तरह परेशान कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइवेट लोगों को ठेका दे के गाड़ियाँ उठवा रहे हैं, और 500 के, 1000 रुपये के, 1500 रुपये के उनके ऊपर चालान भी डाल रहे हैं, और उसके बाद इनको जलील कर रहे हैं और जलील ख्वार कर रहे हैं, और उसके बाद इनको गाड़ियाँ वापस कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा चौकी पे और भी लोग काफ़ी परेशान औरतें खड़ी हुई थी जो शॉपिंग के लिए आई थी, बेचारी छोटे छोटे बच्चे उनकी गोदों में हैं और वापस आती हैं बाइकों पे बैठने के लिए, तो बाइक जो है ना उनकी गायब होती है, ये प्राइवेट लोग ठेकेदार जो है ना प्राइवेट ठेका ये लोग उठा उठा के ले जाते हैं। अब पता नहीं इनका ठेका कितने करोड़ का है जो ये ट्रैफिक पुलिस वालों को देते हैं या फिर आईजी को जमा कराते हैं, वो ठेका पता करवाती हूँ मैं कि इन लोगों के इतने ठेके कहाँ कहाँ चल रहे हैं, और गवर्नमेंट किस किस तरीके से जो है ना आवाम को लूट रही है। अभी इन्होंने पेट्रोल पम्प गिराया है, 10 रुपये पेट्रोल पे, हर 4 दिन के बाद इनके पेट्रोल पे पैसे भरते रहते हैं, और उसके बाद बेचारी लूटी पुटी गरीब आवाम जो आटे के लिए तरस रही है, फिर उसके बाद इनको जो है ना इन जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले जो है ना निचोड़ के जो है ना खून का कतरा जो रह जाता है वो खून का कतरा भी निचोड़ लेते हैं, और फिर यहाँ पर कहते हैं कि अगर अभी मेरे बेटे को इसी जगह पर 2 थप्पड़ मारे हैं, वो भी एक पुलिस के टुच्चे से कांस्टेबल ने, एक टुच्चे से कांस्टेबल ने, पुलिस कांस्टेबल ने, ना ट्रैफिक वाले ने उसका चालान किया ना कुछ, क्या उसे बाइक छीनी, उसके मुंह पे जो 12 साल का बच्चा है उसके मुंह पे 2 थप्पड़ मारे, उसे बाइक छीनी और फिर उसका चालान लेके गया, जिसकी बाइक मैं अभी बहरहाल लेके आ गई हूँ, जो कुछ भी है मामला वो मैंने हल कर लिया। लेकिन जब मैं यहाँ से गुजरी वापस तो यहाँ पे फिर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, और जब मैं अभी चौकी पे थी गाड़ी ले रही थी उस वक्त भी एक गाड़ी भर के लेके आया था यही ठेकेदार, जिसकी मैंने अभी आपको शक्ल दिखाई है, और अब फिर वापस आई हूँ तो वो गाड़ियाँ छोड़ के फिर यहाँ मौजूद था गाड़ियाँ उठाने के लिए। तो इन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है पक्का, आवाम को